मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में कोरोना का एक बार फिर टूटा रिकॉर्ड। 6 की हुई मौत, 292 हुए संक्रमित। आपको बताते चलें कि जिले में कोरोना का गुरुवार को फिर रिकॉर्ड टूट गया। पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा। 292 लोगों को कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई है, जिससे 124 RVRI 20 एंटीजन 68 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं एक ही दिन में 6 संक्रमित लोगों की मौत से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में खलबली मची हुई है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि मृतकों को 3 बार बरेली शहर, एक एक रिठौरा मीरगंज के। उन्होंने कहा कि स्टेडियम रोड स्थित एकता नगर में 70 वर्षीय 23 जुलाई को संक्रमित मिली थी। उनका कोविड अस्पताल में उपचार चल रहा था, इस दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई। चक महमूद छोटे मंदिर के पास रहने वाले 62 वर्षीय 21 जुलाई को संक्रमित मिले थे। उनकी लगातार तबीयत बिगड़ने से 29 जुलाई को उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रेमनगर के मैकेनियर रोड 67 वर्षीय व्यक्ति का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। घर वापस आने के बाद फिर तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रेमनगर के ही एक अन्य बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 वर्षीय बिष्णुपुरी के निवासी थे, उनकी भी मौत हो गई। वहीं रिठौरा में एक व्यक्ति बुधवार को मीरगंज शेखपुर में 59 वर्षीय व्यक्ति की 25 जुलाई को संक्रमण मिला, गुरुवार को दोनों की मौत हो गई। आपको बता चले बरेली में दिन प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, घर में रहें, सुरक्षित रहें और इस लॉकडाउन का पालन करें।